आज हम 21 से 40 गिनती को इकाई व दहाई के रूप में करेंगे। कल हमने 1 से 20 तक की गिनती को करा था। 21 से लेकर 40 तक की गिनती सभी बच्चों को आती है। एक बार सारे बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। 20 से 21, 20 दो 22, 20 तीन 23, 20 चार 24, 20 पाँच 25, 20 छः 26, 20 सात 27, 20 आठ 28, 20 नौ 29, 3 बिंदु 30 की। 30 में जब एक जोड़ दें क्या बन जाएगा? 30 एक 31, 30 दो 32, 30 तीन 33, 30 चार 34, 30 पाँच 35, 30 छः 36, 30 सात 37, 30 आठ 38, 30 नौ 39 और 4 0 40। आज हम 21 से लेके 40 तक की संख्याओं को इकाई व दहाई के रूप में लिखेंगे। 21, 21 में सबसे पहला जो अंक है वो 1 है और उससे अगला है 2। किसी भी संख्या का पहला अंक इकाई का होता है और उससे अगला अंक होता है दहाई का। इकाई का अंक इसमें क्या है? 1 और दहाई का 2। ऐसे ही 22 में, 22 में इकाई का अंक क्या है? 2 और दहाई का 2। इसके बाद 23, 23 में पहला इकाई का अंक क्या है? 3 और दहाई का अंक 2। 24 में इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक 2। 25 में पहला अंक इकाई का 5, दहाई का 2। 26 में इकाई का 6, दहाई का 2। 27, 27 में इकाई का अंक 7 और दहाई का 2। 28 में इकाई का अंक है 8 और दहाई का 2। 29 में इकाई का अंक है 9 और दहाई का है 2। और 30 में इकाई का अंक है 0 और दहाई 3। मतलब 30 में कितनी दहाई बन गई? 0 को मान अलग कर दो तो दहाई कितनी बन गई? 3 दहाई। 31, 30 और 1 31, 31 में पहला अंक इकाई का है 1 और दहाई का 3। 32 में इकाई का अंक 2 और दहाई का 3। 33 में इकाई का अंक 3 और दहाई का 3। 34 में इकाई का अंक 4, दहाई का 3। 35 में है इकाई का अंक 5 और दहाई का 3। 36, 36 में इकाई का अंक 6, दहाई का 3। 37 में इकाई का अंक 7, दहाई का 3। 38 में इकाई का अंक है 8 और दहाई का 3। 39 में इकाई का अंक 9 और दहाई का 3। 40 में इकाई का अंक है 0 और दहाई का अंक है 4। या यूं कहिए 40 में कितनी दहाई हो गई? 4 दहाई।